लगातार मतगणना चल रही है और इन सबके बीच तमाम बड़ी खबरें आ रही है और कुछ और बड़ी खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही टैली लगातार अपडेट होती चली जा रही है। बिल्कुल, और कैसी स्थिति है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं स्नेहा। और देखिए अब लगभग पूरी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर स्नेहा। बिल्कुल, देखिए सीतापुर सदर से भाजपा के लिए जो खबर है, सपा प्रत्याशी राधेश्याम की 1779 सीटों से जिस तरीके से अब ये पूरे तस्वीर को आप देखिए, जीत किसकी हार किसकी ये साफ साफ देखिए। और यहाँ पर आपको ये बताएं कि कौन आगे कौन पीछे से परे, अब जीत हार की स्थिति क्लियर हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार आपको रिजल्ट ब्रेकिंग दिखा रहे हैं सीतापुर सदर से भाजपा के राकेश राठौर की जीत। और देखिए एक और बड़ी खबर से आपको इसी बड़ी स्क्रीन पर रूबरू कराएंगे, एक और रिजल्ट ब्रेकिंग सीधा आपके सामने। अमेठी के तिलोई से भाजपा के हैं नेता, उनसे जुड़ी हुई ये खबर। और देखिए नतीजे आ रहे हैं, अमेठी के तिलोई से हैं मयंकेश्वर शरण सिंह जीत चुके हैं। कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की ये पहली जीत दर्ज की गई है। और अवेश, ये अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़, लेकिन वहां पर सेंधमारी करने में भाजपा सफल हो गई है, बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, अमेठी की तिलोई से भाजपा के मयंकेश्वर शरण सिंह चुनाव जीत गए हैं, तो ये बड़ी खबर है कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की पहली जीत। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। तो रिजल्ट ब्रेकिंग में अब क्या है वो आपके सामने है। ये देखिए वाराणसी की दक्षिण सीट से मंत्री नीलकंठ तिवारी लगातार पीछे चल रहे हैं, सपा प्रत्याशी ने बढ़त बना कर रखी है, तो यहाँ पर भी मामला फंस रहा है। नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए ये यही देखना दिलचस्प होगा, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इसके साथ और भी कई ऐसी खबरें हैं जो हम लगातार आप इलेक्शन ब्रेकिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेठी चुनाव हारने से लगाए और वाराणसी दक्षिण सीट, इसके अलावा अमेठी से चुनाव हारे भाजपा के संजय सिंह, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर। सपा की जीत, महाराजी देवी चुनाव जीत चुकी है। बिल्कुल, और देखिए यहां रोड शो, कांग्रेस के बड़े नेताओं का रोड शो हमें याद है और ये पहली हार है भाजपा की जो हुई है। एक और बड़ी खबर, हरदोई की 8 सीटों में से 5 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। सदर से भाजपा के नेता जीत दर्ज कर चुके हैं, 8 में से 5 सीटें भाजपा के कब्जे में। हरदोई एक बड़ा जिला है, 8 सीटें यहां से आती हैं। यहां से नितिन अग्रवाल जीत दर्ज कर चुके हैं और भाजपा के लिए यहां से अच्छी खबर निकल कर के सामने आ रही है। देखिए ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो भाजपा बहुत हद तक कामयाबी पा चुकी है और सबका हो गया है सुपड़ा साफ। वो कांग्रेस की आप बात कर लीजिए या फिर समाजवादी पार्टी जो लगातार टक्कर देती हुई दिखाई दे रही थी, वो दूर दूर तक भी भटकती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए 119 संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए भाजपा दफ्तर में जश्न का माहौल चल रहा है और इन सब के बीच देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अनुभव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आवाज आपको मिल रही है, आप दिखाएं जरा तस्वीरें, कैसा है जीत का जश्न वहां। अनुभव तस्वीरें दिखाएं जल्दी। हेलो, देखिए जब तक अनुभव बोलना शुरू करते हैं, हम जरा तस्वीरों को देखिए। आप छत से लोगों को देख सकते हैं अवधेश और दीपा, किस तरीके से अनु वहां पर लोग खड़े हैं, समर्थकों का हुजूम, झंडे दिखाई दे रहे हैं, लोगों की जो भीड़ है वो दिख रही है कि अनुभव को भी धक्का लगता हुआ दिख रहा है। और यही हूबहू तस्वीरें स्नेहा 2017 की भी थी, सुबह से लेकर के तैयारी में जुटे हुए थे भाजपा के कार्यकर्ता और शाम होते होते अनुभव के साथ संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अनुभव किस तरीके का जश्न है, क्या कुछ होना है और किस तरीके से बड़े नेताओं का जश्न देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए बिल्कुल तस्वीर हम सीधे बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार जश्न जो है वो जारी है, लगातार गाने बज रहे हैं और लगातार कार्यकर्ता नाच रहे हैं। हर कोई, चाहे नीचे की बात करें जो कार्यालय के ऊपर छत है वहां पर दिखाए आपको, हर जगह कार्यकर्ताओं की भीड़ है और तकरीबन सुबह 10:30 बजे से ही ये भीड़ यहाँ जुटने लगी थी। और आप देखिए किस तरीके से पूरी भीड़ हो चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस आने वाले हैं और इतनी भीड़ थी इसलिए वो इसी पैसेज से, यानी जो कार्यकर्ता खड़े हैं उन्हीं के बीच से यहीं से वो होते हुए जाएंगे और सामने जो मंच बनाया गया है उसी मंच से तमाम सारे जो कार्यकर्ता है,
जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जिस अहाते से कार्यकर्ता आगे नहीं जा पाते थे, आज कार्यकर्ताओं को भी छूट दे दी गई है कि जी लो जिंदगी, कहीं भी खड़े जा, सब तुम्हारा ही है। देखिए बिल्कुल लगातार आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर झंडे जो है पार्टी के वो लहरा रहा है, और सुबह से ही यहाँ पर होली खेली जा रही है। अबीर गुलाल की कुछ महिला कार्यकर्ता भी है, उनसे जानेंगे जिस तरीके से ये जीत मिली, बहुत आप लोग बहुत उत्साहित। जी मैं डॉक्टर रूबी रासना और भारतीय जनता पार्टी में सह संयोजक के पद पे मनोनीत हूँ, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि जो जिन्होंने राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जिन्होंने हम भारतीयों को धर्म और संस्कृति से जोड़ा है, तो देख लीजिए कि भगवान राम की जीत हुई है और योगी जी आए हैं। हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो सिक्योरिटी है उनको भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं इसी पैसेज को थोड़ा सा खाली कराया गया है और एक गलियारा सा बनाया गया है जिससे मुख्यमंत्री यहां से मंच तक जा सके। पहले ये जो फ्रंट गेट है पार्टी का वहीं से आते रहे हैं, लेकिन आज कार्यकर्ताओं की इतनी भीड़ है कि वहां से ना आकर जो दूसरा गेट है बीजेपी कार्यालय पर वहां से वो आएंगे और वहां से भी पैदल आएंगे। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा एक गलियारा बनाया गया है जिससे मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे मंच पर पहुंच सके। मंच की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार जो गाने हैं वो बज रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से जिन गानों को आपने चुनाव के दौरान प्रचार में सुना वो सारे गाने लगातार बज रहे हैं और कार्यकर्ता उस पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सामने मंच की तस्वीर हम दिखाएं, वहाँ पर ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी नजर आ रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी नजर आ रहे हैं, एमएलसी विजय बहादुर पाठक नजर आ रहे हैं, जेपीएस राठौर नजर आ रहे हैं, इसके अलावा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला नजर आ रहे हैं। ये जो तमाम सारे लोग दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यालय से है, सीएम योगी यहाँ आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली में भी पहुंचेंगे वे बीजेपी कार्यालय। लेकिन ऐसी भीड़ से हाँ हमने रोड शोज में देखी है बीजेपी के अध्यक्ष, और वही बिल्कुल ये तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, रुझान जो है परिणाम बदल वो भी आपको दिखाएंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। विजय तिलक इस बड़ी कवरेज में एबीपी गंगा के साथ, लगातार आपने रुझानों के बाद आप नतीजे देखे अवधेश और दीपा अनु, हम लगातार अब तक हर इलेक्शन ब्रेकिंग पहुंचा रहे जो अब नतीजों में बदल चुके हैं, जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। और वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास लिए चलते, देखिए कितनी रौनक है, कितनी रंगत है। वीरेश जी अगर आवाज आ रही है तो बताएं कितनी रंगत, वहां पर क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप? देखिए मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व अध्यक्ष हों, जेपीएस राठौर हों, विजय बहादुर पाठक हों, ब्रजेश पाठक हों, और साथ ही साथ युवा मोर्चा के तमाम नेता देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है, स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं, हालांकि अभी मंच पर नहीं आए, वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री के संबंध में जो गाने बने हैं योगी जी, तमाम तरह के जो लोकप्रिय गाने इस चुनावी मौसम में बनाए गए वो बज रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता जो खचाखच भरे हुए हैं, चाहे वो छत के ऊपर हो या जहां सुनील बंसल का कार्यालय है उस फ्लोर पर हो या फिर इस प्रांगण में हो, तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रांगण में आप खचाखच भरे कार्यकर्ताओं, नेताओं और मीडिया कर्मियों को देख सकते हैं, और लगातार जोश बढ़ाया जा रहा है। इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है, अभी केशव मौर्य भी पहुंचे हैं, अभी ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं, और एक एक करके परिणाम जिनके पक्ष में आता जा रहा है वो सारे लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं। लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी योगी आदित्यनाथ की, स्वतंत्र देव सिंह की, सुनील बंसल भी उसमें वहां मौजूद होंगे, जो प्रदेश के राधा मोहन सिंह है प्रभारी, और जोगीरा सारा रारा करके जो होली से संबंधित गाने बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के मद्देनजर। आप देखिए बुलडोजर भी दिखाई दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में खिलौने की जितनी दुकानें हैं जिसमें बुलडोजर है वो सारे बुलडोजर खरीद लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं नेताओं के द्वारा, इसलिए सभी अपने सर के ऊपर बुलडोजर लगाकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, महिलाएं हो, कार्यकर्ता हो, युवा नेता हो, और ये सारे लोगों का जो भाव है वो कुल मिलाकर देखिए
हर पार्टी के बड़े बड़े नेता भी उस धुन में जो मीरा सारा की धुन में मस्त है नाच रहे हैं और बहुत ही गंभीर रहने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। और ये जो कार्यकर्ता इनका बुलडोजर देखिए, ये भी अपने धुन में मगन है और इनका पे इनके सर पे बुलडोजर सवेरे से बांधे हुए हैं, क्योंकि कारण यह है कि बुलडोजर का जो चरण है, चाहे वो पहला चरण हो और चाहे वो सातवां चरण हो, आखिरी चरण हो, हर चरण में बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उस बुलडोजर के सहारे पार्टी के नेताओं में जोश भरा और संकेत दिया कि माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से अनैतिक काम करने वालों के ऊपर हमने कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुरक्षा दी है, प्रदान की है, और इसी के मद्देनजर बुलडोजर एक प्रतीक का रूप हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और ये प्रतीकात्मक रूप है जो दंगाई है, जो अपराधी है, जो माफिया है, उनके ऊपर प्रहार का, उनके ऊपर अटैक का, उनके घर को, उनके ठिकानों को ड्रोन्स के जरिए खाने का। तो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात योगी आदित्यनाथ, अब वो बुलडोजर बाबा कहलाने में भी उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। हालांकि बुलडोजर को लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरे चुनाव में देखने को मिला और आपने सुना होगा कि बाबा बुल और बुलडोजर को बाहर कर दिया जाएगा। और ये भी अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया कि बुलडोजर यानी बाबा का बुलडोजर भी गोरखपुर चला जाएगा, बाबा भी चले जाएंगे। और जो नारे भी लगाए गए, जो साढ़ को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, तमाम तरह के उधर से भी प्रतिक्रिया के स्वरूप में गाने बनाए गए और साथ ही साथ स्लोगन बनाए गए। सर पर ये जो छोटे छोटे बुलडोजर लगाए हुए पहुंचे हैं कार्यकर्ता, ये अपना अलग संदेश दे रहे हैं। और हमारे एक और सहयोगी यही भाजपा कार्यालय पर अनुभव हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनके माध्यम से भी तस्वीरें देखेंगे। अनुभव आप बताएं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और आगे की कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय से मिल रही है, हर तस्वीर महत्वपूर्ण है। वीरेश जी ने भी तमाम तस्वीरें दिखाई, महिलाएं किस तरह से झूम रही हैं, ये वो खुशी है, ये वो मेहनत की खुशी है जो कई महीनों से कार्यकर्ता नेता कर रहे थे। और अब देखिए, अब मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है जीत का रंग लगाने के लिए और चेहरे पर जीत का अबीर आप सुनेंगे। जी अनुभव, देखिए बिल्कुल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो लगातार झंडे भी लहरा रहे हैं पार्टी के, और जो भी गाने जो प्रचार के दौरान बजे वही सारे गाने यहाँ बजाए जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर रंग गुलाल अबीर जो है वो खेला जा रहा है। छत पर आप देखिए, वहां पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम है, पार्टी कार्यालय के भीतर तो हुजूम है ही, जो सड़क है ठीक विधानसभा के सामने की सड़क, वहां पर भी इसी तरीके से जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो जुटे हुए हैं। और आप देखिए मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जो अभी अभी चुनाव जीते हैं लखनऊ कैंट से, वो भी यहां पहुंच गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है, वो अब पहुंचने वाले हैं और वो जब पहुंचेंगे बिल्कुल तो जैसे एक तरफ से एक रंग और एक एंगल आपके पास है, ठीक वैसे ही एक बड़े फ्रेम में वीरेश पांडे भी हमें नजर आ रहे हैं, उनके आसपास भी वही चहल पहल रंगत दिखाई दे रही है। लेकिन कैमरों की निगाहों से, अपनी निगाहों से और भी कुछ बयां कर सकते हैं वीरेश, मुझे यकीन है। जी वीरेश, देखिए मैं अपने कैमरे की नजर से टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊंगा इन महिलाओं का जोश जो है, लगभग पिछले 5-7 घंटे से योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, भाजपा आएगी, जो गाने बने हैं उन पे उनका ये जो डांस है वो बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की जिसे हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम, बाबा की जय हो। Thank you.
दो मेरे शाम कृपा कर दो मथुरा भी सजा दे कृपा कर दो मथुरा भी सजा दे। देख ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। गणेश जी देखिए, अपर्णा यादव की मौजूदगी भी वहाँ पर है। गणेश जी देखिए, दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, बताइए वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है, बताइए। चलिए चलिए सीधे अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव भी हमारे साथ बने हुए, अनुभव के पास क्या है तस्वीरें वो भी जल्दी से देख लेते हैं। अनुभव बताइए वहाँ से क्या तस्वीरें। देखिए बिल्कुल, अब सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद जो कार्यक्रम है हम कहें वहाँ वो मंच पर आएंगे और कुछ लोग जरूर हमें मंच की ओर जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा तमाम सारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मंच पर हैं और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता जुटे हैं हर कोई इसी कोशिश में है कि कैसे अपने मोबाइल में सारी तस्वीरों को कैद कर लिया जाए। लगातार जो गीत है वो बज रहे हैं, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यालय के बाहर अगर हम बात करें, जो विधानसभा के सामने की जो सड़क है वहाँ लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता वहाँ पर भी मौजूद हैं। और अब चूंकि अलर्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं, ऐसे में थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक कराई जा रही है क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ है और यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम में जो लोग जुटे हैं उन्हें भी थोड़ी मुश्किल आ रही है। इसीलिए जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं ये कहा जा रहा है कि आप सब लोग इधर आइए। और आप देखिए जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो अब मंच पर आने वाले हैं। इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी अब थोड़ी देर में मंच पर ही आएंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों में हम अपर्णा यादव को भी देख रहे हैं, वे भी पहुंच चुकी हैं पार्टी कार्यालय पर। और कौन कौन से नेता पहुंचने वाले हैं ये भी बताएं जल्दी से। तस्वीरें आप बहुत मुश्किल से दिखा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, और कौन कौन पहुंचा। हाँ देखिए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ तक खड़े हैं जहाँ मीडिया के लोग हैं वहाँ तक भी वो पहुँचे हुए हैं। अपर्णा यादव पहुँच चुके हैं और पूरा जुलूस लेकर आई हैं वो, और जहाँ पूरा जुलूस आया है और रास्ते भर अगर हम कहें तो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो ढोल नगाड़े जब बज रहे थे उस पर झूमते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अपर्णा यादव पहुँच चुकी है। हम आपने मंच पर पूछा कौन कौन है, तो हमें जो लोग नजर आ रहे हैं उसमें ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं, इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी हमें नजर आ रहे हैं, बीजेपी एमएलसी विजय बहादुर पाठक नजर आ रहे हैं, एमएलसी अगर हम कहें गोविंद नारायण शुक्ला नजर आ रहे हैं, तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ हमें मंच पर नजर आ रहे हैं। राधा मोहन सिंह जो यूपी प्रभारी हैं वो अभी आए थे थोड़ी देर पहले मंच पर, कार्यकर्ताओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, सबको धन्यवाद दिया और फिर से लौटेंगे आपके पास। वहाँ की रंगत देखेंगे, लगातार आतिशबाजी वहाँ पर हो रही है, होली से पहले ही होली मनाई जा रही है। लेकिन हमारे साथ में अवधेश जी लगातार मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन तस्वीरों के बारे में क्या सोचा होगा इन कार्यकर्ताओं ने। अवधेश जी अगर आप तक आवाज आ रही है सर, अवधेश जी इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है, सर माइक लीजिए और बोलिए इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, सोचा होगा इन कार्यकर्ताओं ने कि ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आएगी। माइक सर। जाहिर है कि जब विजय हुई है तो उत्साह तो रहेगा कार्यकर्ताओं में, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अपने उत्साह को विशेष रूप से उत्सव के रूप में प्रदर्शित करने वाली पार्टी है, इसकी पहले से तैयारी हुई होगी, काफ़ी चीज़ें पहले से तय होंगी। तो जाहिर है कि अब एक बार इतनी विजय हुई है और जो एक वातावरण बनाया जा रहा था विरोधियों के द्वारा कि भाजपा हार सकती है, समाजवादी पार्टी आ सकती है, तो बहुत लोगों के लिए शायद अनएक्सपेक्टेड भी हो, तो इस विजय को व्यापक पैमाने पर प्रदेश पर भी मनाना, और शायद दिल्ली आप देखेंगे यहाँ के राजधानी दिल्ली के कार्यालय पर भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, यहाँ भी मनाया जाएगा, और इसका भी एक राजनीतिक संदेश देश भर में जाएगा क्योंकि बीजेपी को इसके बाद गुजरात के चुनाव का सामना करना है, अगले साल अलग अलग सात राज्यों का चुनाव है और 2024 लोकसभा का चुनाव है। यहाँ से भी सीधे एक मैसेज जाएगा, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके
से भारतीय जनता पार्टी ने चार राज्यों में जीत दर्ज की है, अपने आप में बड़ी चीज है। एक बड़ा मौका है। देखिए एक और सवाल है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तकरीबन 7 बजे का ये समय है, तो उनका आना क्योंकि वे चुनाव प्रचार में शामिल रहे, वाराणसी की तस्वीरें हमने देखी है, और अब इस जीत में कितना बड़ा श्रेय आप देखते हैं पीएम मोदी का? राज्य के चुनाव में मतदाता के सामने पहली दृष्टि नरेंद्र मोदी की ओर हो रही है। बीजेपी की इस समय जहां भी विजय है उसमें सर्वाधिक किसी व्यक्ति की भूमिका है तो नरेंद्र मोदी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में आपके टीवी पर भी बयान आता रहा होगा जनता से पूछने पर कि मोदी और योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं। जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन इसके साथ देखिए आप पार्टियों का बाहर आना शुरू हो गया है, बातचीत करने के लिए वीरेश पांडे के साथ संजय निषाद दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का शासन व्यवस्था और जनता का समर्थन, जनता का जो समर्थन है और सहयोगियों का जो समर्थन है पूरा दिल से। आज पहली बार है कि लोकतंत्र में जनता ने कामों पर विश्वास करके वोट दिया। अच्छा, आपकी विजय हुई है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एबीपी गंगा की तरफ से। लेकिन राजभर जी जो दावा कर रहे थे कि पूरे पूर्वांचल से गायब हो जाएगी भाजपा का, वो बेचारे उनका क्या कहना। गाना बज रहा है जो राम को लाए हम दुनिया में फिर से, हम दुनिया में फिर से, हम आपने मेरे इंटरव्यू में कहा था पर कमल के साथ लड़े थे, तो कुल मिलाकर जो जीत का उत्साह है वो निषाद पार्टी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है और यही जो उत्साह है वो दिखाई भी दे रहा है यहां से गोरखपुर और जहां जहां भी जिस जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने पार्टी के समर्थकों के लिए वो अगर अलग ही जो बड़ी भूमिका है और इतनी बड़ी जीत स्नेहा ये दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें सहयोगियों का भी बहुत बड़ा रोल है। अवधेश जी लगातार बने हुए हैं, अवधेश जी जो सहयोगी दल है उनका कितना बड़ा रोल आप मानते हैं इस ऐतिहासिक जीत में? जो सहयोगी दल है एनडीए के उनका कितना बड़ा सहयोग? मुझे लगता है कि सहयोगी दल का योगदान इतना ही हो सकता है कि निषाद पार्टी का कुछ वोट निषादों का और अपना दल के कारण कुछ पटेलों का वोट मिला होगा। हालांकि जिस ढंग से सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो जाहिर है उधर पटेलों का वोट उस रूप में मिला नहीं है। मुझे ये लगता है कि भाजपा ने भले ही समझौता किया हो कि कुछ जातियों को मिला के कले, लेकिन ये विजय मूलतः भाजपा की ही विजय है। मैं कहीं भी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था तो कोई यह नहीं कह रहा था कि मैं भाजपा के उम्मीदवार को निषाद पार्टी अपना दल के कारण वोट दे रहा हूँ। अगर अपना दल और निषाद के उम्मीदवार के क्षेत्रों में भी जा रहे थे यही कह रहे थे कि हम तो योगी और मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं।